पद्मा, पद्मा यहाँ क्या कर रही है तू? चल घर चल। अब क्या करने जाती हूँ वहाँ? कुछ नहीं, प्लीज घर चल। कौन है वहाँ? कोई नहीं है पद्मा, तुम घर चल। दीदी तू बताए काहे नहीं रही है? झाड़ियों के पीछे है क्या? तू वहाँ क्या करने जाती है? डरती क्यों है उस रास्ते से? तू चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलियो, मुझे पता है तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कैसे बताऊँ तुझे? तू नहीं समझेगी, बहुत छोटी है तू। छोटी नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है। देख, या तो तू अम्मा को बता दे या फिर मैं बता दूंगी। कैसे बताऊँ अम्मा को? कोई फायदा है? तूने देखा है ना अम्मा हमारे साथ कैसे रहती है? अगर हम उनको बता भी देंगे ना तो भी वो विश्वास नहीं करेंगी। अरे 6 बज गए और अब तो अम्मा आती होगी और आते ही मुझे डांट पड़ जाएगी। अभी तक मैंने सब्जी भी नहीं बनाई। ये ले झोला और जा जल्दी से कद्दू लेके आ। हाँ, और ये ले पैसे। जा जा जल्दी जा जा। बॉडी ने नीचे उतारो। मीरा, मीरा मेरी बच्ची छोड़ो मुझे। मीरा का बाल आ रहा है। दीदी ने मुझे सब्जी लाने के लिए मार्केट भेज दिया था, पर जब मैं आई दीदी फंके से मीरा मेरे बच्चे मेरा। किसी पे शक करने का कोई मतलब ही ना है, साफ साफ है आत्महत्या का केस है ये। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मत क्या नहीं कर सकते साहब? नहीं, क्या कर रही हो? सही तो कह रहे दरोगा जी, मीना ऐसा नहीं कर सकती। मीना ऐसा नहीं कर सकती। का ही केस है। नहीं नहीं नहीं, मीना ऐसा नहीं कर सकती। सर, हमने पूरा का पूरा घर चेक कर लिया लेकिन कहीं कोई सुसाइड नोट जैसी चीज नहीं मिल रही और ना ही कोई क्लू है ना कोई एविडेंस है। सर ठीक, सर याद रखना, वकीलों से ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सकता। दीदी आप भी याद रखो कि आप ना एक अच्छे वकील हो पर एक अच्छे एक्टर नहीं। तो आप भी याद रखो कि आप भी अच्छे एक्टर नहीं हो। जब किसी के साथ डेट शेट पे जाओ ना तो नीरू दीदी सामने से ना आके बताऊंगी। गुड, चल अब ये फाइल चेक कर, तब तक मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हमें माला और चारू के घर की तलाशी लेनी होगी। सुमन, लगता है चारू और माला को जबरदस्ती लेकर गए हैं। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है
दोनों ने काफी रेजिस्ट किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। सर लेकिन घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था और ये इकलौती खिड़की है जहां से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे खिड़कियों पे ग्रिल लगे हुए हैं और ये खिड़की खुली हुई थी। फुटमार्क्स। ये जो कोई भी था इसी खिड़की से बाहर आया होगा। एविडेंस है, एरिया को सील कर। राइट सर। माँ बैठो, मैं आता हूँ। बैठो, मैं आता हूँ। साहब, साहब मैं जीतू, मैं यहीं पे रहता हूँ। चारू और माला के बारे में कुछ पता चला क्या? वो दो लाशें उन्हीं की थी? अभी फिलहाल छानबीन चल रही है, तो जानते हो उनके बारे में? साहब कल रात तकरीबन 11 बजे चारू घर पे आई थी चीनी लेने के लिए। उसने कहा कि उसे देर रात तक काम करते हुए चाय पीने की आदत है। तब तो सब कुछ नॉर्मल था सर, और आज सुबह अचानक से ये सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। कभी कुछ अजीब देखा या सुना हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये देखिए यहां पर कुछ है। आपके बाइक की कोई ऐसी निशानी जिससे उसे पहचाना जा सके? क्योंकि चोरी करने वाले सबसे पहले नंबर प्लेट चेंज करते हैं। जी, मेरी बाइक के पीछे साइड में थोड़ा सा डेंट और आगे खोपड़ी का स्टिकर लगा हुआ है। आप घर जाइए, बाइक के बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। कहाँ मिले? यहाँ फेंके हुए थे सर, पर ये समझ में नहीं आया कि सिर्फ सिर काट कर क्यों फेंके। यादव। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।